ठीक है चलो लेट्स गो थैंक यू वेरी मच हैव यू सीन द फिल्म नॉट 100 करोड़ क्या मायने रखते हैं आपके लिए और साथी लोगों की प्रशंसा आई थिंक कि डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी फिल्म को इतना प्यार मिलता है एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम राइट नाउ वी आर मिसिंग राज ऑफ कोर्स एंड डीके ही हैज जस्ट लैंडेड He's yeah. come, so Raj has come and DK is also not here, so we miss them. And thank you all. I think that the biggest, सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबने support किया और आप सबने genuinely film को enjoy किया. So I think कि बहुत अच्छी feeling है. अमर आपको कैसा लग रहा है आप बोलो. हमें भी अच्छा लग रहा है. जो इन्होंने बोला वही हमारे हमारे सबके शब्द देखी हैं. Validation होगा आपको कि जो आपने सोच रखी इस film के साथ में आई थिंक ये हमारी सबकी सोच थी हमें यू नो हमें लगता था कि हमने एक पिक्चर बनाई है जैसे हमें बनानी थी पेपर पे जैसे राजू डीके ने लिखी थी वैसे ही अमर ने उसको बनाया फिर हमारा जॉब था टू पुट इट आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल लेकिन मुझे
what I'm very happy about is that the content has won. This year belongs to content. And I think आप सब ने और ऑडियंस ने वो सपोर्ट किया और वैलिडेट किया, तो हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि वैसी कहानियों पे रिस्क लेना, वैसी कहानियों पे एक्चुअली रिस्क नहीं है, तो अभी उल्टा और मजा आएगा नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में। प्यार तो मुझे था ही, मतलब हमेशा से सबका प्यार था, और उतनी मुझे सपोर्ट किया प्रोड्यूसर्स ने, इनकी लिखाई बहुत अच्छी थी जो मुझे बनाने का मौका मिला, हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और बस घुस गए थे पिक्चर बनाने में, अच्छी पिक्चर बनानी थी वो हमारा मोटिव था, बनाया उसके बाद सब कुछ इनके हाथ में था कैसे। Yes. Are you 100 crore? Yes. But hat trick. I mean, but honestly, मैं ये कहना चाहूँगी कि highs and lows are a part of films. I think the main thing, I think सबसे अच्छी जो बात है specifically स्त्री के साथ जो जुड़ी हुई बात ये है कि जैसा डीनो ने कहा कि a content driven film has done so well, and for me to be a part of something like that, for them to have that faith that I could be in this film, that's the biggest thing for me. Feels fantastic. I think it feels, मतलब उसका मतलब शायद यही होता है कि उतने सारे लोग आपकी फिल्म देखने गए तो obviously अच्छा लगता है, so I'm very very happy that Stree has got all that love. I thought that exactly the way the audience reacted to it when I heard the narration, first and foremost I was laughing so much and I felt that there's no better way to put out a message than through an entertaining way, a well-written way, and that's exactly what Raj and DK did. And just as an audience, when I heard the film, I was in splits and I was like, this is going to be a really special message to give out in a fun and scary way. Actually, जैसे ही पिक्चर लिखी गई थी, इट वॉज सेट अप टू बी अ फ्रेंचाइज, इसलिए जो लास्ट दो शॉट्स हैं वो आपको काइंड ऑफ मेक यू थिंक क्या है। सो इनफैक्ट आज हमारी चैट पे बात हो रही थी, तो इनको बोलना चाहिए आपको क्या लगता है आप कब खत्म करेंगे। आई डिडंट नो दैट देयर वाज डिमांड फॉर इट सो सून, बिकॉज़ वी थॉट वी विल जस्ट वेट एंड सी हाउ इट गोस, बट फ्रॉम फ्राइडे इटसेल्फ एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर पार्ट 2, सो आई एम जस्ट इट्स पार्ट 2 ऑन योर फेस राइट नाउ। सो वी आर ट्राइंग टू वी डोंट वी विल गेट टू इट, इट्स बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट questions, I guess. So many. Who, what is Shraddha doing? Oh my doing? God. मैं अभी बत्ती को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग मी कि क्या आप स्त्री थी या नहीं थी, पर चोटी का क्या हुआ, तो आई थिंक दैट इज यू आर कीपिंग एवरीवन इन दैट मिस्ट्री, सो ने चोटी क्यों लगाई, आपको सेकंड बार का टिकट खरीदना पड़ेगा, स्त्री 2 कब आ रही है, दैट्स एवरीवन इज आस्किंग मी दैट। तो सारी क्या स्त्री सेम ही रहेगी, क्योंकि पता लग गया आपको, आपको लग गया आपका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है। मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी स्त्री है, ऐसा मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग है। बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन टुनाइट इज ऑल अबाउट स्त्री एंड ऑल अबाउट being very happy and being very very proud to be a part of this film, and thoda relief bhi mehsoos ho raha hai, kafi time ke baad ye feeling aayi hai, to I'm feeling nice. Because so many women oriented films have done largely as Vijay Deverakonda, and now stree also, any word on that? I think I suppose I don't know if I have an I don't know if it's pertaining to women, but I suppose that I think the good content has actually been the winner here, and we happen to be a part of it, I suppose. Yeah. Shraddha,
आई थिंक कि मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक सबसे सिंपल बात ये है कि मैं बहुत खुश हूँ और ये रीज़न इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम के बाद ये फीलिंग महसूस हो रही तो अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. बोलते रहते हैं इटर्नल सपोर्टर्स. आप बत्ती को देखिए और उसके सामने थिएटर में स्त्री फिर भी होगी तो वापस जाके देख लीजिए. We wanted to make and we're very happy about it. Thank you. Lots of things from my side soon and I will tell you about it when they materialize. क्या हाल है? हाय हाय यस. जी अभी स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी है वो सब खत्म हो गई. अभी सब आप सब के हाथ में था और आप सबने इतना प्यार दिया हमारी फिल्म को कि उसको 100 करोड़ 150 करोड़ तक पहुंचा दिया है. एंड इससे ज़्यादा हम कुछ मांग नहीं सकते थे. इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग है यार. नो यार, आई डोंट रियली थिंक अबाउट बॉक्स ऑफिस. आई वांट माय फिल्म टू डू वेल बट आई डोंट हैव अ नंबर इन माय माइंड एवर. बट आई न्यू वी मेड अ गुड फिल्म. आई वाज वेरी प्राउड. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म. बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी ऑफ अस एक्सपेक्टेड फॉर इट टू क्रॉस यू नो व्हाटएवर इट इज डूइंग. इट्स स्टिल रनिंग एवरीवेयर. या थैंक यू. मतलब क्या मायने रखता है ये आपके लिए वैलिडेशन? वैलिडेशन, इट्स अ बिग वर्ड. बहुत मायने रखता है. ऑफ कोर्स यू नो इतने लोगों ने इतना फिल्म ने पैसा कमाया उसका मतलब इतने लोगों ने जाके फिल्म देखी है. अभी मैं वी आर शूटिंग इन अहमदाबाद राइट नाउ फॉर मेड इन चाइना और वहाँ पर जितने तरह
जितने लोग मिलते हैं वो सब बोलते हैं कि हमने दो बार फिल्म देखी है, तीन बार देखी है. इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग कि आपने एक फिल्म को इतनी सिंसेरिटी से कुछ नया बनाने की कोशिश की और लोगों ने उसको इतना प्यार दिया कि वो दो बार तीन बार जाके देखना चाहते हैं. पता नहीं यार, वो आप बताइए, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ यार. आई स्वेयर आई हैव नो आइडिया व्हाट लाइक स्टारडम. या इट इज डेफिनेटली या वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म्स प्रॉब्ली ऑफ द ईयर. उनको लगने तो पता नहीं, मुझे तो अपना काम अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ. नो यार, आई कांट टेक प्रेशर, आई कांट वर्क अंडर प्रेशर. I only do my work. I love my job, man, too much to think about anything else. आपको पता है हमारे चंदरी में फ्रेंड, मतलब हमारी जहाँ की ये दुनिया है, हमारी स्त्री की वहाँ फ्रेंडशिप का मतलब कुछ और होता है. कैसी बातें पूछ रहे हैं आप ये इंटरव्यू में. Oh, so many. The dialogues are so famous. Like, आज मैं जिस फ्लाइट से मारे थे वहाँ पे रॉसर मुझे बोलती है कि रॉसर आपको एक बात करनी है. सरिया शी सेड विकी प्लीज, एंड इट्स सो अमेजिंग. पीपल आर मेमोराइजिंग द डायलॉग देयर, देयर रिपीटिंग इट एवरीवेयर, देयर यूजिंग इट इन देयर यू नो डे टू डे लाइफ. आई थिंक देयर इज सो मच ऑफ लव दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस फिल्म. लाइक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स. आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किए, पर हाँ मेंटल क्या है. नहीं बिल्कुल नहीं, 19 से 20 कैसे आ सकते हैं, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. पर कुछ अच्छी फिल्म्स हैं जो मैंने ख़त्म की हैं और जो रिलीज़ होंगी अगले साल. पर अभी फिलहाल तो हम लोग अहमदाबाद में मेड इन चाइना की शूटिंग कर रहे हैं. सेम टीम, दिनेश विजन, मैं वापस साथ में. अरे थैंक यू सो मच, भगवान करे सारे ईयर मेरे ईयर हों, सारे ईयर हिंदुस्तान इंडियन सिनेमा के ईयर हों और हम इस तरह से अच्छी फिल्में बनाते रहें. No, not really. It was actually a cameo for me in the film, and I'm very proud to be associated with that film because the cause is really close to my heart. It's very important, and I was also busy promoting Sri. Then I was busy shooting for Made in. I'm right now. I'm shooting for Made in China, so that's the reason I couldn't really promote it. Yeah. It's going great. I think we're having a great time, just like we were having on Sri when we were shooting in Chanderi. Abhi Ahmedabad mein bhi same energy hai. Sab log bahut hi dil se, bahut hi pyar se Made in China bana rahe hain. Sequel, yes. आई थिंक जिस तरह से बाहुबली में शुरू हुआ था, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अभी स्त्री ने शुरू कर दिया है कि श्रद्धा चोटी क्यों लेके गई. ये एक शुरू हो गया बहुत ही कमाल का. लोग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या था सर, प्लीज़ बताइए ना, वेट नहीं हो रहा है. बट आई थिंक दैट्स, आई थिंक इट विल बी वर्थ योर वेट. जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर टाइम, कपल ऑफ मोर मंथ्स, विल डेफिनेटली स्टार्ट शूटिंग प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर सम टाइम. And yeah, we are definitely thinking about 3-2. Yes, Nusrat का काम कर रहे हैं, पर आपने उसको आने नहीं दिया. चलिए ठीक है, आप नुसरत से बात कीजिए. थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच. अच्छा यहाँ पे सर, सेंटर लुक, सेंटर लुक यहाँ साइड ला.
ठीक है चलो लेट्स गो थैंक यू वेरी मच हैव यू सीन द फिल्म नॉट 100 करोड़ क्या मायने रखते हैं आपके लिए और साथ ही लोगों की प्रशंसा आई थिंक कि डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी फिल्म को इतना प्यार मिलता है एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम राइट नाउ वी आर मिसिंग राज ऑफ कोर्स एंड डीके He's yeah. come, so Raj has come and DK is also not here, so we miss them. And thank you all. I think that the biggest, सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबने support किया और आप सबने genuinely film को enjoy किया. So I think कि बहुत अच्छी feeling है. अमर आपको कैसा लग रहा है आप बोलो. हमें भी अच्छा लग रहा है. जो इन्होंने बोला वही हमारे सबके शब्द देखी हैं. Validation होगा आपको कि जो आपने सोच रखी इस film के साथ में आई थिंक ये हमारी सबकी सोच थी हमें यू नो हमें लगता था कि हमने एक पिक्चर बनाई है जैसे हमें बनानी थी पेपर पे जैसे राजू डीके ने लिखी थी वैसे ही अमर ने उसको बनाया फिर हमारा जॉब था टू पुट इट आउट इन द बेस्ट वे पॉसिबल लेकिन मुझे व्हाट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज दैट द कंटेंट हैज़ वन ये साल बिलोंग्स टू कंटेंट एंड आई थिंक आप सब ने और ऑडियंस ने वो सपोर्ट किया और वैलिडेट किया तो हमें वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि वैसी कहानियों पर रिस्क लेना वैसी कहानियों पर एक्चुअली रिस्क नहीं है तो अभी उल्टा और मजा आएगा नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में कैसा लग रहा है आपको कि आप इतने सेक्सी और पॉपुलर हो गए और आपको इतना प्यार मिल रहा है आपको कैसा लग रहा है आपकी पहली फीचर फिल्म है प्यार तो मुझे था ही मतलब हमेशा से सबका प्यार था और उतनी मुझे सपोर्ट किया प्रोड्यूसर्स ने इनकी लिखाई बहुत अच्छी थी जो मुझे बनाने का मौका मिला हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है और बस घुस गए थे पिक्चर बनाने में अच्छी पिक्चर बनानी थी वो हमारा मोटिव था बनाया उसके बाद सब कुछ इनके हाथ में था कैसे Yes. 100 crore Yes. But hat trick. I mean, but honestly, मैं ये कहना चाहूँगी कि highs and lows are a part of films. I think the main thing, I think सबसे अच्छी जो बात है specifically स्त्री के साथ जो जुड़ी हुई बात ये है कि जैसा डीनो ने कहा कि
a content-driven film has done so well, and for me to be a part of something like that, for them to have that faith that I could be in this film, that's the biggest thing for me. Feels fantastic. I think it feels, मतलब उसका मतलब शायद यही होता है कि उतने सारे लोग आपकी फिल्म देखने गए तो obviously अच्छा लगता है. So I'm very very happy that she has got all that love. I thought that exactly the way the audience reacted to it when I heard the narration. First and foremost, I was laughing so much, so much, and I felt that there's no better way to put out a message than through an entertaining way, a well-written way, and that's exactly what Raj and DK did. And just as an audience, when I heard the film, I was in splits and I was like, this is going to be a really special message to give out in a fun and scary way. Actually, जैसे ही पिक्चर लिखी गई थी, it was set up to be a franchise. इसलिए जो last दो shots हैं, वो आपको kind of make you think क्या है. So in fact, आज हमारी chat पे बात हो रही थी, तो इनको बोलना चाहिए. आपको क्या लगता है? आप कब खत्म करेंगे? I didn't know that there was demand for it so soon, because we thought we'll just wait and see how it goes. But from Friday itself, everybody's asking for part two. So I'm just. There's part two on your face, right? Yeah. So we're trying to. We'll get to it. It's because it's one of the most talked about questions, I guess. So many. Who, what is Shraddha doing? Oh my God! मैं अभी बत्ती को promote कर रही हूँ, लेकिन the first question that people are asking me कि क्या आप स्त्री थी या नहीं थी, पर छोटी का क्या हुआ? So I think that is you're keeping everyone in that mystery. Yeah, so Shraddha ने छोटी क्यों लगी? आपको second बार का ticket खरीदना पड़ेगा. स्त्री two कब आ रही है? That's everyone's asking me that. Yeah. पता लग गया आपको? आपको लग गया? आपका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है. मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी स्त्री है. मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग है. बहुत एक्साइटेड हूँ, वेरी वेरी एक्साइटेड. लेकिन टुनाइट इज ऑल अबाउट स्त्री एंड ऑल अबाउट being very happy and being very very proud to be a part of this film, and thoda relief bhi mehsoos ho raha hai. Kafi time ke baad ye feeling aayi hai, to I'm feeling nice. Shraddha, do you think this year is like more different, you know, because so many women oriented films have done with Rati and Vijayanti Wedding and now Stree also, any word on that? I think I suppose I don't know if I have an I don't know if it's pertaining to women. But I suppose that I think the good content has actually been the winner here, and we happen to be a part of it, I suppose. Yeah. I think कि मैं बहुत खुश हूँ. I think सबसे simple बात ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, और ये रीज़न इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड जैसा मैंने कहा कि बहुत टाइम के बाद ये फीलिंग महसूस हो रही, तो अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. बोलते रहते हैं. बोलते रहते हैं. रोज बोलते हैं. इटर्नल सपोर्टर्स. आप बत्ती को देखिए, और उसके सामने थिएटर में स्त्री फिर भी होगी तो वापस जाके देख लीजिएगा. Thank you very much. Thank you all so much. Thank you all. चल यार, चल यार, चल यार. Oh, okay. Thank you.
we wanted to make, and we're very happy about it. Thank you. Lots of things from my side soon, and I will tell you about it when they materialize. अभी स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी है वो सब खत्म हो गई, अभी सब सब आप सब के हाथ में था और आप सब ने इतना प्यार दिया हमारी फिल्म को कि उसको 100 करोड़ 150 करोड़ तक पहुंचा दिया है, एंड इससे ज़्यादा हम कुछ मांग नहीं सकते थे। इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग यार। नो यार, आई डोंट रियली थिंक अबाउट बॉक्स ऑफिस। आई वांट माय फिल्म्स टू डू वेल, बट आई डोंट हैव अ नंबर इन माय माइंड एवर। But I knew we made a good film. I was very proud. I am very proud of the film. But I don't think so anybody of us expected for it to cross, you know, whatever it is doing. It's still running everywhere, yeah. Thank you. Validation, oh, it's a big word. बहुत मायने रखता है, ऑफकोर्स, यू नो, इतने लोगों ने, इतना फिल्म ने पैसा कमाया उसका मतलब इतने लोगों ने जाके फिल्म देखी है। अभी मैं, वी आर शूटिंग इन अहमदाबाद राइट नाउ फॉर मेड इन चाइना, और वहाँ पर जितने तरह जितने लोग मिलते हैं वो सब बोलते हैं कि हमने 2 बार फिल्म देखी है, 3 बार देखी है। इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग कि आपने एक फिल्म को इतनी सिंसेरिटी से कुछ नया बनाने की कोशिश की और लोगों ने उसको इतना प्यार दिया कि वो 2 बार 3 बार जाके देखना चाहते हैं। पता नहीं यार, वो आप बताइए, मैं ये सब नहीं सोचता हूँ यार। आई स्वेयर आई हैव नो आइडिया व्हाट लाइक स्टारडम, या इट इज़ डेफिनेटली, या वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म प्रॉब्ली ऑफ द ईयर। उनको लगने तो पता नहीं, मुझे तो अपना काम अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ। नो यार, आई कांट टेक प्रेशर, आई कांट वर्क अंडर प्रेशर। आई ओनली डू माई वर्क, आई लव माई जॉब मैन टू मच टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आपको पता है हमारे चंदरी में फ्रेंड, मतलब हमारी जहाँ की ये दुनिया है, हमारी स्त्री की वहाँ फ्रेंड्स का मतलब कुछ और होता है। कैसी बातें पूछ रहे हैं आप ये इंटरव्यू में? Oh, so many. The dialogues are so famous. Like, आज मैं जिस फ्लाइट से हम आ रहे थे वहाँ पे रॉसर मुझे बोलती है कि रॉसर आपको एक बात कहनी है। I said, Vicky, please. And it's so amazing. People are memorizing the dialogue there. They're repeating it everywhere. They're using it in their, you know, day-to-day life. I think there's so much of love that we're getting for this film. Like, I couldn't have asked for anything else. आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं किए, पर हाँ मेंटल है क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं, 19 से 20 कैसे आ सकते हैं, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर कुछ अच्छी फिल्म्स हैं जो मैंने ख़त्म की हैं और जो रिलीज़ होंगी अगले साल,
पर अभी फिलहाल तो हम लोग अहमदाबाद में मेड इन चाइना की शूटिंग कर रहे हैं, सेम टीम, दिनेश विजन, मैं वापस साथ में। अरे थैंक यू सो मच, भगवान करे सारे ईयर मेरे ईयर हों, सारे ईयर हिंदुस्तान इंडियन सिनेमा के ईयर हों और हम इस तरह से अच्छी फिल्में बनाते रहें। No, not really. It was actually a cameo for me in the film, and I'm very proud to be associated with that film because the cause is really close to my heart. It's very important, and I was also busy promoting Stree, then I was busy shooting for Made in. I'm right now I'm shooting for Made in China, so that's the reason I couldn't really promote it. Yeah. It's going great. I think we're having a great time, just like we were having on Stree when we were shooting in Chanderi. Abhi Ahmedabad mein bhi same energy hai. Sab log bahut hi dil se, bahut hi pyar se Made in China bana rahe hain. Sequel, yes. आई थिंक जिस तरह से बाहुबली में शुरू हुआ था कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अभी स्त्री ने शुरू कर दिया है कि श्रद्धा चोटी क्यों लेके गई, ये एक शुरू हो गया बहुत ही कमाल का। लोग मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि क्या था सर प्लीज़ बताइए ना, वेट नहीं हो रहा है, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ योर वेट, जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर टाइम, कपल ऑफ मोर मंथ्स, विल डेफिनेटली स्टार्ट शूटिंग प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर सम टाइम, एंड या वी आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट स्त्री टू। यस नुसरत का काम कर रहे हैं, पर आपने उसको आने नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप नुसरत से बात कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच। अच्छा यहाँ पे सर, एक्चुअली आई वाज सेविंग दिस कि मैं ये दिनेश को बोलूँ और राज को बोलूँ, बट आई व्हेनेवर आई सी हॉरर फिल्म्स इन इंडिया आई रियलाइज कि जब इंडियन ऑडियंसेस हॉरर फिल्म देखती है तो वो हंसने लग जाती है, इवन इफ इट्स स्कैरी, आई थिंक इट्स लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो द फैक्ट दैट वो हंसती है, दिनेश एंड द टीम ऑफ मैडॉक हैज गॉन एंड मेड अ हॉरर फिल्म विद कॉमेडी इन इट, तो अब वो एक्चुअली जस्टिफाइड लाफ्टर है एंड दे रियली हिट द ऑडियंसेज ऑन द नेल, बिकॉज वो डरा भी रहे हैं, मैं छुप छुप के देख रही थी और मैं हंस भी रही थी, so they've kind of got a really nice mix of horror and comedy together and I loved it, yeah, I absolutely loved the film. I worked with Raj on one of my first films which was Love, Sex or Dhoka, even though hum same story mein nahi the but we were in the same film. And Raj, me and Amit got along really, really well. And after 8 years, now I'm going to do another film with him. I'm really excited because hum dono ek graph se grow hoke ek point pe aaye hain and ab saath kaam karenge. I don't know, let's see. Haan, bahut kuch hai. Dheere dheere. Ji. Yes, I know he is. Everybody knows he is. I think the association with Love Films, Love Sir and the entire team is going to go very long. I don't think ke hum, even though he does one film with other people or two films with other people, aisa nahi ki hum dobara kaam nahi karenge. I would love to work with him, but I don't know when. So we'll see. Yeah? Haan, done. Done. What to do? Thoda suspense to rakhte hai na. Achha, Bhagu, let me say hi to people here. One second. Hi guys, how's it going? Oh ho ho, kaise hain aap?
प्रणाम। थैंक यू सो मच, जो आपने बोला बधाई हो वो तो आई थिंक भ्राता श्री को हो, क्योंकि बधाई हो उनकी फिल्म है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आई थिंक ट्रेलर को बहुत अच्छी रिव्यू मिल रहा है। कमिंग बैक टू माय फिल्म टचवुड यार, गॉड हैज बीन काइंड, जो मतलब हम शूट पे मस्ती कर रहे थे वो मस्ती एज इट इज स्क्रीन पे नज़र आ रही है। टचवुड सब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी फिल्म के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता है। वी हैव नॉट ओनली यू नो Not only people have accepted this film, दिल से numbers से भी लोगों ने accept किया है, जो I think एक producer के लिए भी अच्छी चीज़ होती है। और लोग कह रहे हैं three two already, touchwood, जैसे भी चीज़ें हो रही होंगी, so I think looking forward to that। यार I try to look out for those scripts and those कैरेक्टर्स जो मुझे निभा के मज़ा आए, जो थोड़े से डिफरेंट हो, थोड़े से क्वर्की हो, लोगों को देख के एक वैरायटी नज़र आए, एक रेंज नज़र आए किसी भी तरीके के एक्टर में। तो आई थिंक वो हर एक एक्टर की कोशिश रहती है। सो फार आई हैव बीन एबल टू मेक द राइट चॉइसेस, आई होप आगे भी ऐसी चॉइसेस करते रहूँ। यार भ्राताश्री के साथ काम करने का ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, दो स्क्रिप्ट्स की नरेशन हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कुछ ठोस नहीं मिला है। यार बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक नितेश सर, जो दंगल के डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैंने करियर स्टार्ट किया अपना, उनका मैसेज आया फिल्म देखने के बाद, अपार आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई थिंक जब भी एक नितेश तिवारी जैसे डायरेक्टर जो इतनी बड़ी फिल्म खुद दे चुके हैं ऑलरेडी, और वो खुद आपके जो स्टार्ट ऑफ द करियर में आपने उनके साथ काम किया हो, वो जब आपको ऐसा मैसेज लिखते हैं, आई थिंक आप अंदर से थोड़े से और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। यार भाभी ने तो मुझसे भी पहले देख ली थी फिल्म, सो टचवुड भाभी का रिएक्शन बहुत अच्छा था। भैया का रिएक्शन जैसे दंगल के टाइम पे था, उन्होंने मुझे दंगल के टाइम पे बहुत प्यारी बात बोली थी कि यार ये तूने खुद किया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो तब जो जैसे उन्होंने जिस तरीके का कॉन्फिडेंस तब दिखाया था, वैसे ही कॉन्फिडेंस अब दिखा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आ गए, पकड़ लूँ उनको मैं, पकड़ लूँ एक बार, बंदा आ गया मेरा, बंदा आ गया। इधर आ जाओ मेरे भाई, गदर मचा रहे हैं। गदर का पाजी भाई मेरे से आप ही वो पुरुष जो बता सकते हो स्त्री के बारे में सही तरीके से भली भांति। नहीं नहीं बहुत यार मजेदार फिल्म है, और अब तो हमारा फीडबैक है, आप सबने ही फीडबैक दे दिया है, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनका प्यार मिला है। बट आई थिंक यही मतलब जितना खूबसूरत कंटेंट ड्रिवन जो फिल्म है, बहुत ही मज़ा आया देखते हुए। माई फैमिली एंजॉयड इट, और हॉल में मैंने खुद 3 बारी देखी है, 1 बारी स्क्रीनिंग में देखी थी और 2 बारी अपने दोस्तों को लेके गया था। और सबसे खूबसूरत बात है, जो बंदे डरावनी पिक्चरें नहीं भी देखते उन्होंने भी ये फिल्म देखी। क्या बात, और एक और खूबसूरत बात है वैसे, क्या कि आपने हम सबसे पहले देख ली थी फिल्म। मैंने रफ कट देखा था, लेकिन जो फाइनल कट था वो ये देख चुका था, और फिल्म रिलीज होने से पहले और उनका मुझे फोन आ चुका था, पाजी बड़ी सही फिल्म लग रही है। देखो ऐसा है, मैं इनकी फिल्मों का पहले ही फ़ैन हूँ, ठीक है, ऑलरेडी हम दोनों कनेक्ट करते रहते हैं कि पाजी कब मिले, कब घूमे, कुछ ना कुछ प्लान चलता रहता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो कुछ भी अभी तक इन्होंने प्रोफेशनल फ्रंट पे आ जाता हूँ, जो भी इन्होंने अभी तक काम किया है, मैं उसका फ़ैन हूँ, और जो आगे करते रहेंगे मैं 100% श्योर हूँ कि हर स्टेप सही होगा। अरे नहीं नहीं कहते, बड़ा अच्छा लगता है। ओए हेलो, सारे यही मिल गए बारंबार ही, क्या तो आप कर लो, वो कर लो, थैंक यू। ये हो गया इधर अभी तक इसलिए इनको, अच्छा I think it's great here. I think the audience in today's time, we're very thankful to the entire audience that, you know, for accepting us and for, you know, for क्या बोलूँ भाई, मतलब actually it's very overwhelming for the kind of reaction that films are getting in today's time and the way the
the receiving of the audience has happened towards the film. It's really grateful by the way, you know, they've been perceived. आप बोले कुछ? हाँ जी, स्त्री के, अरे मैं तो मतलब बहुत मजा आया, मैं डर भी रही थी और हंस भी रही थी. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी डरते हैं ना तो मतलब खुद से एम्बैरेस हो जाते हैं, मतलब अरे हाँ, तो हंसने लगते हैं एटलीस्ट. बट बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छी फिल्म है. इट मेक्स यू लाफ, इट स्केयर्स यू, तो मतलब बाय मिस्टेक उन्होंने अच्छी एक्टिंग देखो, तुम्हारा गलती से एक्टिंग कर ली. तुम्हारा गलती से एक्टिंग कर ली. सही है. गोविंदा जी के फैन हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? और साथ में पाजी आ चुके हैं, ठीक है. अच्छा, इनकी फिल्म की बात हो रही है, सो सॉरी, मुझे लगा इनकी फिल्म की बात कर रहे हो. ओके, यार ठग्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स आई थिंक आमिर सर जब भी कोई चीज़ प्लान करते हैं वो हमेशा ही बिग वे में करते हैं, है ना. एंड जब डेढ़ दो साल एक प्रोजेक्ट को दिया जाता है हमेशा ही बहुत दिल से बनाया जाता है. और जब मैंने पहली बार फैटी की लुक देखी थी, ओ गॉड, हम आई थिंक वो वाला शो करने गए थे, क्या कहते हैं, मड में कहीं पे किसी उस पे. तो तब मैंने पहली बार फ़ोन पे इसके क्या कहते हैं लुक देखी थी, जो इनका लुक टेस्ट हुआ था. वाह, तभी देख के लग रहा था कि कुछ डिफरेंट ही, कुछ अलग बन रहा है. हाँ, बच्चन साहब का लुक देख लिया है अब तो, ऑफकोर्स सब ऑलरेडी आ चुका है. मेरा भी जल्दी आएगा. बहुत धमाकेदार दिवाली होने वाली है. हाँ, धमाकेदार. एक्चुअली मुझे पता नहीं हाउ इट्स टर्नड आउट, आई एम रियली नर्वस टू बी फ्रैंक, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बिकॉज आमिर सर है, बच्चन सर है, तो हम तो मतलब छोटे लोग. तो बट इट, आई एम लाइक रियली नर्वस, बट एटलीस्ट पोस्टर को लोगों को देखे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ऑल्सो मतलब बच्चन सर को देखे कौन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे. हाँ, मैंने आर्चरी की है इसमें, थोड़ा स्वॉर्ड फाइटिंग. अगर आप स्टंट्स देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे. हाँ. मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं प्रिपरेशन की, आई थिंक बहुत बहुत अच्छी निकली. ए, बोलना नहीं ऐसा पब्लिक. तो नहीं मैं, आप बात करो, आप बात करो, ढंग से क्या बात करो. जेन्युइनली भाई अपन निकले है ना. I love the trailer and I love Sanya, so I'm really excited for it. बहुत अच्छी लग रही है. और साने कुछ भी करेगी, मुझे तो देखना ही. कोई बात नहीं, कोई और फिल्म में आएंगे इंशाल्लाह. वो तो बाद में मालूम पड़ेगा. मत हो गया. चलो. किटकैट डैड कितना पूछोगे? सॉरी, किटकैट डैड क्या, बस नाचा, मस्ती किया, मज़ा आया, किटकैट खाया. उन लोगों ने फ्रिज भर भर के किटकैट दिया. इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि हम बचपन से उनको देखते आए, बच्चन सर को. आई हैव ऑलरेडी वर्क विद आमिर सर, बट बच्चन सर को हम यू नो एज एन आइडल मानते हैं. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड. थोड़ी सी नर्वस थी, बट बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने मुझे कभी नर्वस फील नहीं कराया. He always made me feel comfortable. अगर हम scenes करते थे तो वो अपने suggestions देते थे and he would you know listen. and कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं एक scene उनके साथ कर रही थी और मैं सिर्फ reactions दे रही थी, पर उनको देख के मैं असली में रोने लग गई. तो because it was that moment. So I think I'm very fortunate that कि second film में ही मुझे उनके साथ काम करने मिल गया. अल्लाह जाने. Thank you. Thank you so much.
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनफैक्ट अपने सारे दोस्तों को, जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं जो मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैंने सबको यही बोला है कि ये आई थिंक वो मोमेंट है जब हम सबको ये समझना चाहिए कि मेहनत अगर हम करें और अपना काम पे अगर डेडिकेशन दिखाएं तो डेफिनेटली वी ऑल कैन बी सक्सेसफुल, सो दैट्स द की। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भरोसा मिलता है अपने आप पर कि शायद मैं किसी सही दिशा पे हूँ, मुझे पता नहीं मेरी मंजिल क्या है, आई डोंट नो व्हाट माय फाइनल लाइन क्या होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है और ये ज़रूर है कि आई विल बी मोटिवेटेड नाउ टू डू मोर वर्क। दोनों मैं करता रहूँगा क्योंकि कास्टिंग में मेरी अच्छी, बहुत अच्छी खासी टीम है, अनमोल आहूजा हैं जो मेरे पार्टनर हैं जो पूरा कंपनी को संभाले हुए हैं, और साथ ही साथ मैं एक्टिंग करके कई सारी चीज़ें शायद सीख सकता हूँ शूटिंग के दौरान जो मैं कास्टिंग में यूज़ कर सकता हूँ, और वाइस वर्सा, तो मैं दोनों करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑडियंस का ये प्यार है, ये रियली मतलब इट इज़ रियली हार्ट वार्मिंग एंड यू नो टचिंग टू सी कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को, देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट इसमें थैंक यू सो मच, इसमें हम सबके मेहनत के साथ साथ आप लोगों का भी योगदान है कि मीडिया ने फिल्म को बहुत पसंद किया, आम लोगों तक पहुंचाए, थैंक यू आपका भी। हो सकता है शायद ईमानदारी से काम करता हूँ यार, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ कि कुछ इंटरटेनिंग के साथ साथ कुछ बात भी हो, कि उसमें एक मैसेज भी जाए, जो कि है हमारे किरदार में या फिल्म में भी एक बात है मनोरंजन के साथ साथ। ऑफ कोर्स मेरी जो दाएं उसको ओह हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं इनको, मैं क्या बताऊँ। पति पत्नी वही करते हैं जनरली, खाना अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, बहुत अच्छे पति हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं। शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया।